हेलो हाय एवरीवन, टुडे विल चेक शंकर्स वीडियो प्राइमर ऑन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स एनएफओ ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। Hi everyone, welcome to another podcast. Today we're going to be taking a peek into the world of small cap investing. So as you know, over the last 3, 4, 5 years, I think a good number of investors have moved away from the blue chip syndrome, and I think small caps has become a very popular addition to many portfolios now. The exciting news that is coming through is that Grow Mutual Fund is coming up with an NFO. It's a Nifty Small Cap 250 Index Fund NFO, and the subscriptions are open from 9th of February until the 23rd of February 2024. So coming back to today, I have with me Ms. Namrata. She's an educator at Grow Mutual Fund, and she's going to be helping us with some questions that I've created around this particular fund. And I know there's a lot to cover, so let's jump into it. Namrata, firstly, welcome to the show. It's always a pleasure interacting with you, and congratulations on the forthcoming launch. Thank you so much, Shankar, and truly, you know, very excited to do this particular podcast with you. Thank you. So let me start off with the smallest question that I can ever think of. Why small caps? Okay, so let's, break this down. Jab hum small cap companies ki baat karte hain, एक जो जनरल परसेप्शन है विच इज़ ट्रू एज वेल इज कि स्मॉल कैप्स आर कंसिडर्ड टू बी हाई रिस्क स्टॉक्स बट दे ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू गिव यू नो गुड ग्रोथ. तो एक तो ये है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी है. इनफैक्ट यू नो अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स का यूनिवर्स देखें या नॉट जस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स इफ यू जस्ट लुक एट द यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स जिन्होंने 10x रिटर्न दिए हैं शायद इन द लास्ट 10 ईयर्स देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उनमें काफ़ी स्टॉक्स जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के होंगे. सो हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो यू नो स्मॉल कैप स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दी है कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स. सो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल हो सकती है इन दिस कैटेगरी फॉर इन्वेस्टर्स. लेकिन आई थिंक एज एन इन्वेस्टर्स हमें ये भी एज एन इन्वेस्टर हमें ये भी समझना चाहिए कि इस कैटेगरी में रिस्क भी ज़्यादा है कंपेयर टू मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स. वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहता है, डाउनसाइड रिस्क इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स. सो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ हम हाई ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं वहाँ पे हाई रिस्क भी है. सो एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे स्मॉल कैप्स देखना है आई वुड से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वुड बी बेटर. क्योंकि जब हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखते हैं विच कुड बी थ्रू अ स्मॉल कैप इंडेक्स मे बी यू नो दैट इज़ वेयर अ पर्सन कुड स्टार्ट देयर जर्नी इन टू द स्मॉल कैप स्पेस. क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली विड यू नो हेल्प यू इन रिड्यूसिंग दैट रिस्क टू सम एक्सटेंट. सो नम्रता, दिस इज फैसिनेटिंग. कैन यू ऑल्सो एक्सप्लेन वॉट द निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स इज ऑल अबाउट? ओके, सो अगर हम टॉप 500 कंपनीज को देखें दे आर डिवाइडेड इन टू लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप, राइट? एंड दैट इज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं, 101 टू 250 को हम मिड कैप बोलते हैं, एंड 251 टू 500 को हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं. तो बेसिकली ये जो 250 स्टॉक्स का यूनिवर्स है तो द स्मॉल कैप इंडेक्स द यू नो निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स इज मेड ऑफ दीज 250 स्टॉक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और ये जो 250 स्टॉक्स हैं द इंटरेस्टिंग थिंग इज दे आर स्प्रेड अक्रॉस 21 सेक्टर्स. तो हमारे पास 22 सेक्टर्स हैं विच एग्जिस्ट टुडे, आउट ऑफ विच स्मॉल कैप इंडेक्स में 21 सेक्टर्स कवर हो रहे हैं. एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग कि वाई इज दिस डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट इन स्मॉल कैप्स, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है कि स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी इज अ हाई रिस्क कैटेगरी, राइट? अब अगर ये हाई रिस्क कैटेगरी है इसका मतलब ये है कि द डाउन साइड ऑफ चूजिंग अ रॉन्ग स्टॉक इज वेरी हाई. तो अगर आपने एक गलत स्मॉल कैप स्टॉक सिलेक्ट किया अपने लिए तो आपका वो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं किया देन यू नो यू आर लूजिंग आउट ऑन लॉट. बल्कि हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में वी हैव सीन दैट जो स्मॉल कैप्स हैं दे हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है कंपेयर टू मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स. तो इसीलिए यू नो स्मॉल कैप्स में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है. एंड इसीलिए अगर आप पूरा बास्केट ऑफ स्मॉल कैप यूनिवर्स को खरीद रहे हैं तो आपका वो रिस्क कंपैरेटिवली लोअर हो जाता है. मेक सेंस. सो गिवन दैट नम्रता, व्हाई शुड समवन कंसीडर इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कैप इंडेक्स लाइक दिस?
ओके तो अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स को थोड़ा ब्रेकअप करें, देर आर थ्री वेज जिससे एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं. सबसे पहला है कि आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, यू कैन डायरेक्टली बाय स्मॉल कैप स्टॉक्स. लेकिन उसमें जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स दे टेंड टू बी वेरी वॉलेटाइल और सेलेक्टिंग द राइट स्टॉक बिकम्स अ चैलेंज, राइट? तो अगर आपने गलत स्टॉक सिलेक्शन किया तो प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज समथिंग दैट यू नो लॉट ऑफ पीपल कंसिडर. आज के टाइम में मार्केट में 24 एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हर फंड का जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो अलग रहता है. बिकॉज एक फंड मैनेजर के पास, यू नो स्मॉल कैप फंड मैनेजर के पास 250 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, एंड अगर वो उसमें से 50-60 स्टॉक्स भी ले रहे हैं, सो यू नो द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फॉर ईच स्टॉक, ईच फंड, जिसकी वजह से जो रिटर्न्स होते हैं दैट्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट. सो ऑल स्मॉल कैप फंड्स आर गिविंग वेरी वेरिंग यू नो रिटर्न्स. तो कोई गारंटी नहीं है कि आज का अगर कोई टॉप परफॉर्मिंग एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड है वो कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू टू एक्सेल इन द फ्यूचर एज वेल. तो इसीलिए जब एक एक्टिवली मैनेज फंड आपको सेलेक्ट करना होता है स्मॉल कैप फंड, तो आप इट्स बेटर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें. तो अब आता है तीसरा ऑप्शन कि आप यू नो आप सोच बोलिए कि मैं पूरे इंडेक्स में ही, पूरे यूनिवर्स ऑफ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देता हूँ, एंड दैट इज बाय इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कैप इंडेक्स फंड. नाउ लाइक वी एस्टैब्लिश इन अ स्मॉल कैप इंडेक्स फंड क्या होता है कि जो 250 स्टॉक्स इंडेक्स में है द सेम स्टॉक्स आर देयर इन द इंडेक्स फंड एज वेल इन द एग्जैक्ट सेम वेटेज, राइट? तो बेसिकली एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड एक स्मॉल कैप इंडेक्स को मिरर कर रहा है टू अ लार्ज एक्सटेंट. That's at least that's the intention, right? So ये जो approach है, ये इस approach के through हमें 21 sectors में you know diversification मिल रहा है, which is very crucial to deal with the risk in small caps. Also you know हमें लगता है कि सोचिए ऐसा कोई एक बहुत high performing small cap you know company है और you can miss out on not investing in that company, right? तो अगर आपने पूरा universe लिया है तो आप उसको भी कवर कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर स्टॉक विल बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. सो आई थिंक दिस आर फ्यू पॉइंट्स जिसकी वजह से हमें लगता है कि एट दिस पॉइंट यू नो इन्वेस्टर स्मॉल कैप इंडेक्स को कंसिडर कर सकते हैं. या मेक सेंस नम्रता. आइए इसके थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करते हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ऑल द व्यूअर्स वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग. सो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्मॉल कैप 250 इंडेक्स एंड मे बी यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन विद द निफ्टी 50 आल्सो. आई थिंक एज इन्वेस्टर्स हम सब रिटर्न्स को देखते हैं एंड यू नो हिस्टोरिकल रिटर्न्स इज व्हाट वी लुक एट. लेकिन आई थिंक स्मॉल कैप में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को नहीं देखना चाहिए. अगर हम रिटर्न्स देख भी रहे हैं तो हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस या लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को देखना चाहिए, क्योंकि यू नो वी अंडरस्टैंड कि अगर ये रिस्की कैटेगरी है तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए. तो अगर हम 10 साल के रिटर्न्स की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो CAGR दिया है दैट्स क्लोज टू 18.9%. एंड अगर मैं उसी का कंपैरिजन निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ करूं, निफ्टी 50 इंडेक्स ने दिया है करीब 12.96% रिटर्न ओवर द लास्ट 10-year पीरियड. सो अगर डिफरेंस देखें तो वो क्लोज टू 6% है, विच इज़ रीजनेबली सब्सटैंशियल. तो जस्ट एज एन एनालॉजी, अगर आपने एक स्मॉल कैप इंडेक्स में 15,200 रुपये की SIP करी होती तो 15 साल में वो करीब 1 crore हो गया होता अप्रॉक्सीमेटली. Wow. Based on these returns, yeah. Yeah, I think it's a good point because, yeah, काफी लोग ये भी बोलते हैं, right? कि choosing the right small cap is very, very important. Yeah. Large caps में, blue chip companies में, it's never been a problem. But with small caps, you have to be extra careful as to what stock you select. That can be the difference between probably 100x kind of a return and 0x kind of a return, right? Absolutely right, and that is why you know, keeping that caution is very, very important. So making sure that you know you are investing in such a way ki aap apna risk jitna kam karne ki koshish kar sakte hain wo kar rahe hain. Haan ji, makes sense. Actually you picked up the right point. So when you talk about risk, I'm not talking about risk of you know things going bad, but risk is especially given today's market, people say that small caps are overvalued at the current moment. Any insights on this? Okay, so you know when we talk about the valuation aspects, let's just you know understand this ki valuation hota kya hai sabse pehle.
जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एज एन इन्वेस्टर कि जो स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है, फेयरली प्राइस्ड है, राइट? एंड दैट हेल्प्स मी पिक द राइट स्टॉक फॉर माई सेल्फ. और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं वैल्यूएशन के लिए, लेकिन एक जो बहुत कॉमन है, जो बहुत यू नो मोस्ट पीपल लुक एट दैट पर्टिकुलर पैरामीटर, इज द पीई रेशियो, विच इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, राइट? ये आई थिंक मोस्ट इन्वेस्टर्स वुड लुक एट द पीई रेशियो जब वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो पीई रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. एक होता है आपका प्राइस ऑफ द स्टॉक, एक होता है अर्निंग्स पर शेयर, राइट? सो यू डिवाइड द प्राइस ऑफ द स्टॉक बाय अर्निंग्स पर शेयर एंड यू विल गेट द पीई रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक. अब पीई रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है कि फॉर एवरी यूनिट ऑफ अर्निंग एक इन्वेस्टर कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है. तो जितना पीई रेशियो कम होगा उतना बेटर है, राइट? सो ऑब्वियसली यू नो एज एन इन्वेस्टर आई वुड, अगर मुझे, इफ आई एम कंपेयरिंग टू स्टॉक्स एंड ऑन एवरी अदर एस्पेक्ट दे आर द सेम, तो फिर मैं जो लो पी वाला स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करूंगी, राइट? तो अभी अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स का पी रेशियो देखें, दैट्स अराउंड 25.62. सेम अगर हम एक्टिव फंड्स का पी रेशियो देखें, दैट इज अराउंड 42.62. सो विच मीन्स वी कैन से कि एट दिस पॉइंट जो इंडेक्स है वो अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू द एक्टिव फंड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड द या एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो हम स्मॉल कैप इंडेक्स का एक जो पी रेशियो देख रहे हैं, दैट इज एट द फाइव ईयर, इट्स लाइक लोअर दैन द फाइव ईयर एवरेज. सो दिस सीम्स लाइक यू नो लाइक अ रीजनेबल, इट्स सो इट लुक्स लाइक कि इंडेक्स अभी फेवरेबली प्राइस्ड हैज कंपेयर टू यू नो से एक्टिव फंड्स फॉर an investor to look at considering to invest in the index, the small cap index. Interesting. And let's come to your offering, the Groww's offering. So why should our viewers actually consider Groww's Nifty Small Cap 250 index fund? Okay. So I think ek index fund jo hota hai na, wo ek index fund ka purpose hota hai ki wo ek index ko replicate kare ya mirror kare. लेकिन आई थिंक जो चैलेंज आ जाता है वो यही है कि यू आर नॉट एबल टू मिरर इट एग्जैक्टली और इन द एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन, क्योंकि ट्रैकिंग एरर आ जाता है, राइट? ट्रैकिंग एरर इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप इंडेक्स फंड को या किसी भी एक इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. किसी भी एएमसी के लिए आप कोई भी इंडेक्स फंड ले लीजिए, ट्रैकिंग एरर इज समथिंग जो काफ़ी ट्रिकी रहता है. एंड हाउ क्लोजली यू आर रेप्लिकेटिंग द इंडेक्स इज समथिंग विच अ ट्रैकिंग एरर विल टेल यू. तो ट्रैकिंग एरर जितना कम होता है उतना आप इंडेक्स को अच्छे से मिरर कर रहे हैं, दैट्स व्हाट अ ट्रैकिंग एरर इज गोइंग टू टेल यू. तो अब द चैलेंज इज कि इंडेक्स की भी वेटेज जो है वो चेंज होती रहती है. उसके काफ़ी रीजंस होते हैं, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज कि स्टॉक प्राइस चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से इंडेक्स का भी यू नो वेटेज चेंज होता रहता है ऑफ द स्टॉक्स विद इन द इंडेक्स. और इसकी वजह से कोई भी इंडेक्स फंड 100% एक्यूरेसी के साथ इंडेक्स को मिरर नहीं कर पाता है. तो ग्रोव म्यूचुअल फंड ने एक इनहाउस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, विच इज कॉल्ड स्पीयर. तो ये एक इनहाउस टेक्नोलॉजी है जिसने इस ट्रैकिंग एरर को कम करने की कोशिश करी है, राइट? तो जो रीबैलेंसिंग होता है, जनरली इंडेक्स फंड्स में रीबैलेंसिंग एक दो हफ्ते में एक बार किया जाता है, बट थ्रू दिस यू नो दिस पर्टिकुलर इनहाउस टेक्नोलॉजी ये रीबैलेंसिंग और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो पाती है, तो जिसकी वजह से आपका ट्रैकिंग एरर कम हो जाता है. एंड आई थिंक दैट्स हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज इंश्योरिंग दैट यू नो एज एन इन्वेस्टर एट एनी पॉइंट आपका जो इंडेक्स फंड होगा वो आपके इंडेक्स को यू टू अ लार्ज एक्सटेंट मिरर कर रहा होगा, रेप्लिकेट कर रहा होगा. गॉट इट. ओके, सो नम्रता, आई थिंक आपने दोनों एस्पेक्ट्स तो हमें बता दिए. सो यू हैव टोल्ड अस दैट there is the positive aspect wherein these funds actually do extremely well over the long run, and you've shared some numbers also. There's obviously the other side to it, that is, it's volatile, diversification is required, etc. So I think the big question now comes is, who should actually consider investing in a fund like this? Okay, so I think sabse pehle to main bolungi ki aise investor jinka risk appetite high hai, right? अगर आपको आपका रिस्क एपेटाइट उतना या रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, देन मे बी इट मे नॉट बी द राइट फंड फॉर यू. तो इफ़ एज एन इन्वेस्टर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट श्योर कि आप सही स्टॉक
सेलेक्ट कर पाएंगे या सही एक्टिवली मैनेज फंड सेलेक्ट कर पाएंगे अपने लिए, देन यू शुड यू नो कंसिडर एन इंडेक्स फंड, बिकॉज उसमें इट्स यू नो इज जस्ट ईजियर, आपको खुद स्टॉक पिकिंग नहीं करना है उसमें, राइट? एंड लाइक आई सेड, रिस्क एपेटाइट तो ज़्यादा होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए. तो यू नो रीजनेबली लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन इज समथिंग दैट यू शुड लुक एट इन दिस पर्टिकुलर फंड. बट आई ऑलवेज से दिस, यू नो, आप कभी भी फंड सेलेक्ट करने से पहले, कोई भी फंड सेलेक्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए. राइट, या परफेक्ट. सो थैंक यू सो मच नम्रता, दिस वॉज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, एंड थैंक यू फॉर ब्रेकिंग डाउन दिस ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड फॉर अस. This has been a wonderful discussion today, and